हेलो डियर फ्रेंड्स, पीसीसी सब करा के आते हैं। कुवैत पीसीसी कैसे कराना है, कैसे नहीं कराना, ये सबको पता है। जब आप कुवैत में आते हो तो पीसीसी लेकर के आते हो, लेकिन अगर कुवैत में पीसीसी गड़बड़ हुआ तो क्या होगा? दरअसल अगर आपने पासपोर्ट ऑफिस से पीसीसी रिसीव की है, किसी भी झमेले में नहीं फंसे हुए या किसी ने भी थर्ड पार्टी ने आपको पीसीसी का वो नहीं दिया है, सर्टिफिकेट नहीं दिया आपको खुद जा कर के, या आपको पूरा यकीन है कि मैं पासपोर्ट ऑफिस से पीसीसी का फॉर्म या पीसीसी का सर्टिफिकेट लेकर के आ रहा हूँ, और वो पीसीसी का जो कागज़ होता है ना, आप जब कुवैत में आते हो तो भाई साहब वो चेक होता है। इंडियन एम्बेसी जो यहाँ कुवैत में है वो आपको स्टाम्प करके देती है। इंडियन एम्बेसी कहती है कि हाँ ये पीसीसी सही है, लेकिन अगर कुवैत की जो मैनेजमेंट है जो पीसीसी को चेक करता हो, अगर उसको डाउट हुआ कि ये पीसीसी सही नहीं ना गड़बड़ है, भले इंडियन एम्बेसी ने प्रूफ किया हो, तब भी आपके लिए दिक्कत हो सकती है कुवैत में। तो कुवैत में अगर आप आ रहे हो न्यू वीज़ा के तहत, तो पीसीसी भाई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एकदम रियलिटी में आप पासपोर्ट ऑफिस से जाकर के ही रिसीव करना। पीसीसी में किसी भी तरह का घोटाला या किसी भी तरह का मामला गड़बड़ हुआ तो कुवैत में आपका सिविल आईडी इकामा नहीं लगेगा, और जब इकामा नहीं लगेगा तो भाई कोई लगवा भी नहीं सकता। हाँ, कोई वास्ता वाला कोयती होगा तो वो भले लगवा ले, बात अलग की है, लेकिन अगर कुवैत में पीसीसी गड़बड़ हुआ तो आपको रिटर्न जाना पड़ सकता है, इतना भी हो सकता है। तो बहरहाल ये कमेंट आया था, मैंने कमेंट आपको शो भी किया, अगर मेरे पास गैलरी में होगा तो मैं शो कर दूंगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। वैसे फ़िलहाल कमेंट्स आपको मिल जाएगा, देखिए स्क्रीन पे, पीसीसी गड़बड़ था, इनका अकामा नहीं लग रहा, तो इससे रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन ये दी कि आपको वापस भी जाना पड़ सकता है क्योंकि आपका पीसीसी गड़बड़ है। तो पीसीसी या तो भाई आप ठीक करा लो। अब आपका ठीक कैसे होगा? आप पासपोर्ट ऑफिस में किसी को भेज करके आप दूसरा पीसीसी वाला निकलवा सकते हैं, और कुछ सेटिंग करके वहाँ पर, और जो पीसीसी का कागज़ है उसको फैक्स वगैरह कर दीजिए, कुरियर कर दीजिए, फिर आप उसको दूसरा प्रोवाइड कर दीजिए, तो भले वो काम हो जाए। वरना अगर ये चीज नहीं करा सकते तो आपका पीसीसी जो है मामला गड़बड़ हो जाएगा, भले आपका इंडियन एम्बेसी कहे कि हाँ सही है, लेकिन फिर आपको वापस जाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर कुवैत में बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई भी इंडिया में कोई भी, देखिए पीसीसी क्या होता है ना कि भाई आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, कोई केस तो नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं, आप किस कैटेगरी में आते हो, कहीं मारपीट तो नहीं, कोई मुकदमा दर्ज तो नहीं, तो ऐसी कैटेगरी में अगर होगा तो फिर पीसीसी एकदम नॉर्मल कैटेगरी में नहीं बन पाता। तो कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो पीसी से रिलेटेड ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुवैत से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको रोजाना मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।